नर्मदेहर, हम लोग चलते हुए आज ग्राम छनेरा आ गए हैं। ये राम मंदिर है जिला खंडवा में, दक्षिण तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यहाँ भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं। नर्मदा जी का मंदिर भी है यहाँ। काफी पुराना मंदिर लग रहा है ये। राधा कृष्ण जी भी विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर एक समिति परिक्रमा वासियों की, इस जगह पर ये माता मंदिर है, परिक्रमा वासियों की सेवा की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं समिति के सदस्य, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार सोनी है। सोनी जी, आपकी समिति का नाम? मेरे समिति का नाम है माँ नर्मदा सेवा समिति, छनेरा, जिला खंडवा। ये आप कब से सेवाएं दे रहे हैं और क्या सेवाएं दे रहे हैं? ये लगभग 6-7 साल से सेवाएं चल रही हैं सतत जी। और हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, मेडिकल की व्यवस्था करते हैं, ठहरने की पूरी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था सब बढ़िया है यहाँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी हमारी एक कामना है माँ नर्मदा से, और बढ़िया चल रहा है सब यहाँ। तो ये अभी अस्थायी व्यवस्था है? यह अस्थायी व्यवस्था है हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, पंजीयन हो चुका है, और हम लगे हुए हैं कि कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए जिससे सभी यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो अभी सोनी जी ने बताया कि यहाँ पर ये अस्थायी रूप से सेवा का कार्य कर रहे हैं, और उनकी समिति रजिस्टर्ड भी है, और जब भी जहाँ भी ये समिति का आश्रम जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो हमें अग्रिम ये जानकारी देंगे, और जो भी लोग अगर इनकी इनका सहयोग करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनका पता और फ़ोन नंबर है, सहयोग कर सकते हैं। नर्मदेहर नर्मदेहर वो।